हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लावर बुक्स। आज है 15th ऑफ अक्टूबर और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 14th एंड 15th की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो। तो आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि कई लोग मुझसे लोग पूछते हैं कई बार कि जो बिगिनर्स है, जिनको कुछ नहीं पता है प्रिपरेशंस के बारे में, उनको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो आपको करना है कि क्वेश्चन पेपर देखना। जिस पर्टिकुलर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आप देखें, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अभी क्या कंडीशन है, आपकी अभी क्या पोजीशन है और आपको कितनी और तैयारी करना है। तो इसलिए सबसे पहली स्टेप है कि क्वेश्चन पेपर देखें। सेकेंड स्टेप है कि उसका सिलेबस देखिए। जब ये दो चीजें आप देख लेंगे फिर उसके बाद ही आप जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये दो चीजें करने के बाद आप स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल्स इतने सारे अवेलेबल है अभी, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। हालांकि इसकी वजह से लेवल भी बहुत बढ़ चुका है एग्जाम का, पर ये एडवांटेज है, आप तो उसको कम्प्लीटली यूज कीजिए। जितने हो सके यूट्यूब चैनल वो देखिए, और पीडीएफ से तो जितने मिलते हैं आपको पीडीएफ भी हर सब्जेक्ट में मिल जाएंगे, तो उसमें सेलेक्टेड मटेरियल आप हार्ड कॉपी में प्रिंट करवा के उसको भी पढ़ सकते हैं। तो ये चीज मैं कहना चाहती हूँ बिगनर्स को कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देखना है और फिर उसके बाद सिलेबस देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। हम लोग यहाँ पर सिल्वर जुबली मनाई गई है जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी, और इसको इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्होंने। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 12 अक्टूबर 1993 को स्टैब्लिश किया गया था। तो ये 1993 को स्टैब्लिश किया गया था। स्टैब्लिश तो एक लॉ के तहत किया गया था, लेकिन ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो ये जितने भी काम करती है ये अपने अपने ये इंडिपेंडेंट होती है हर काम के लिए। और इसके करंट में जो चेयरमैन है अभी वो है एच एल दत्तू, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और इसके अलावा जो सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी जनरल, वो है अंबुज शर्मा। तो ये क्या करती है, ये ह्यूमन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करती है। ह्यूमन राइट्स लाइक रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी किए है, और एम्बॉडीड इन इंटरनेशनल कन्वेनेंट्स। तो ये सारी चीजें जो है ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देखता है। और ये 12 अक्टूबर 2018 को सेलिब्रेट किए गए, 25 ईयर्स कम्प्लीट हो चुके हैं, इसीलिए इन्होंने सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की है। यहाँ पर लिखा है 25th एनिवर्सरी है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर ये सेलिब्रेट की गई है तो एक सीधा क्वेश्चन ये जरूर पूछा जा सकता है कि 25th एनिवर्सरी किस संस्था की पूरी के पूरे हुए है, किसकी सेलिब्रेट की गई, या फिर ह्यूमन राइट कमीशन की कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, या लॉ कब आया है। तो ये सिंपल स्टेट के जो भी क्वेश्चन हो या नेशनल लेवल के भी जो भी क्वेश्चन हो, तो ये एक जो क्वेश्चन है ये इजीली पूछा जा सकता है। तो आप इसकी और भी डिटेल पढ़ना चाहे तो और भी इसके ऑफिशियल साइट या फिर विकिपीडिया से आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि इंडिया और अजरबैजान ने अग्री किया है कि वो दोनों जो है, दोनों कंट्रीज वो बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देंगे या एनहांस करेंगे। तो अजरबैजान के बारे में थोड़ा कुछ हम लोग जान लेते हैं। अजरबैजान जो कंट्री है वो सोवियत रिपब्लिक का एक पार्ट थी पहले, और वो एक साइड से बाउंडेड है कैस्पियन सी से और एक साइड से बाउंडेड है कॉकेशस माउंटेन से। तो ये जो है इसकी कैपिटल है बाकू, और फिर उसके बाद इसकी करेंसी अजरबैजान मैनेट। तो ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो हम लोगों ने देख ली अजरबैजान के बारे में। अब देखते हैं कि ये क्या चीज है, ये कौन सी न्यूज है, या क्या क्या डील हुई है इंडिया और अजरबैजान के बीच में। तो यहां पर क्या हुआ है, इन्होंने अग्री किया है कि इस चीज पे कोऑपरेशन इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एंड हाइड्रोकार्बन एंड एसएमईज ट्रांसपोर्ट टेशन एनर्जी एंड हाइड्रोकार्बन पे ये इन्होंने कहा है कि हम जो रिलेशन है या कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा देंगे। तो इंडिया की तरफ से जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन के जो मिनिस्टर है सुरेश प्रभु, उन्होंने ये अग्रीमेंट पे साइन किया है। देन उनकी तरफ से, अजरबैजान की तरफ से मुख्तार बेबई, मिनिस्टर ऑफ इकोलॉजी और नेचुरल रिसोर्सेस जो है, उन्होंने ये चीज साइन की है। तो ये आगे भी जो हमारे और मतलब इंडिया और अजरबैजान के बीच में जो
ट्रेड है वो काफी अच्छा चल रहा था, पर इनको ऐसा लगा कि ये ट्रेड को और बढ़ावा देना चाहिए और बायलैटरल जो ट्रेड है, ट्रेड रिलेशंस है, उसको किसी तरीके से बढ़ाना चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आगे इन्होंने कुछ सेक्टर्स है या कुछ जो फील्ड्स है जिसमें इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट या फिर कोऑपरेशन करने की सोची है। तो ये यहाँ पर खत्म होती है ये वाली न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है कोल इंडिया के बारे में। तो कोल इंडिया ने साइन किया है MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद NLC, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इसका नाम है, जो इन्होंने एम किया है कि 5,000 MW पावर जनरेशन करेंगे दोनों मिलकर। तो कोल इंडिया जो है वो एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और ये इंडिया की लार्जेस्ट कोल कंपनी है। ये जो कोल इंडिया है वो इंडिया की लार्जेस्ट कोल कंपनी है। तो इन लोगों ने एम किया है कि हम दोनों मिलकर, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन और कोल इंडिया मिलकर, हम लोग कितना पावर जनरेट करेंगे, 5,000 MW पावर का। तो ये आपको याद रखना है कि कितना पावर है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर इस टाइप की चीजें होती है इंडिया के अंदर, इस टाइप के MOU साइन होते हैं, दो बड़ी कंपनीज जब कोलैब करती है, तो उसकी सारी डिटेल्स अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेनी चाहिए। क्योंकि आजकल सिर्फ नाम नहीं पूछे जाते हैं चीजों के, आजकल अंदर की चीजें या डिटेल्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है किसी भी एग्जाम में। तो ये अराउंड जो कोल इंडिया है वो अराउंड 80%, 80 या 82% जो कोल है इंडिया का वो कोल इंडिया ही प्रोड्यूस करती है। तो ये बहुत ही बड़ी कंपनी है, एक तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और 80% कोल प्रोड्यूस कर रही है। तो ये काफी बड़ा अमाउंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। और जो NLC है वो भी काफी बड़ी कंपनी है और ये मेनली लिग्नाइट कोल जो है उस जो कोल के प्रोडक्शन में इसका बड़ा नाम है। और दूसरी बात क्या है कि ये काफी पुरानी कंपनी है, 1956 में स्टैब्लिश हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, और ये एक नवरत्न कंपनी है। तो इन दोनों ने साइन किया है MOU। इनका कहना है कि हम 5,000 MW पावर जनरेट करेंगे और उसमें से 3,000 MW जो होगा वो सोलर पावर्ड होगा और 2,000 होगा कोल फ्यूल्ड। तो ये ज्यादा बड़ा अमाउंट जो है वो सोलर पावर जनरेट करेंगे। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, अगर ये वर्क कर गई स्कीम तो आगे भी सोलर पावर से पावर जनरेशन ज्यादा बढ़ के आएगा फ्यूचर में भी। तो ये एक जॉइंट वेंचर जो एग्रीमेंट है इसमें 50-50% दोनों कंपनीज लगाएगी, 50% कोल इंडिया और 50% NLC। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इसमें स्टेक कितना है दोनों कंपनीज का और कितना टोटल अमाउंट जनरेट कर रहे हैं, 5,000 और कितना सोलर पावर्ड है और कितना कोल फ्यूल्ड है। तो ये तीन चार चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर न्यूज में आपको याद रखनी है। यहाँ पर हम लोग कुछ क्विक न्यूज देख लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूज है कि तुषार मेहता जो है वो अपॉइंट हुए हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, जो अटोर्नी जनरल होता है उसके बाद सेकंड रैंक आती है सॉलिसिटर जनरल जनरल की। अटोर्नी जनरल जो है वो करंट में अभी है के वेणुगोपाल। तो ये भी क्या होते हैं, ये सॉलिसिटर जनरल भी काइंड ऑफ लीगल एडवाइजर होते हैं। तो इनका जो टेन्योर होता है वो 3 ईयर्स का होता है, 3 ईयर्स के बाद ये रिटायर हो जाते हैं। तो ये भी चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं सेकेंड नंबर के, और ये सुप्रीम कोर्ट में भी लॉयर की तरह काम करते हैं। देन उसके बाद न्यूज है इंडिया रैंक 147 इन ऑक्सफेम वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स 2018। तो ये क्या देखते हैं, ये जो ऑक्सफेम है ये जो इंडेक्स लाया है या रिपोर्ट लाया है, तो वो वर्ल्ड में इनइक्वालिटी जो है वो कितनी है। इनइक्वालिटी मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी या कैपिटल किस तरीके से है, किसके पास कितना पैसा है। तो वो उस में इंडिया रैंक करता है 147, जो काफी पुअर है। ज्यादातर पैसा जो है कंट्री का वो कुछ लोगों के पास कंसंट्रेटेड है और एक बड़ी जो जनसंख्या है वो कम पैसे के साथ जी रही है। मतलब अमीर जो लोग हैं 1% लोग ही 99% जो इनकम है या जो कंट्री की जो जो भी धरोहर है या जो पैसा है वो उनके पास है, और बाकी 99% जो है वो बहुत कम पैसों में अपना जीवन चला रहे हैं। तो इसमें इंडिया की बहुत पुअर रैंक है,
तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और इसको मतलब जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का वो इक्वल होना चाहिए। तो इसकी इस इंडेक्स के थ्रू इसको प्रमोट करते हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को। शशि थरूर जो है उन्होंने अपनी बुक इंट्रोड्यूस की है, उसका नाम है पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें एक और चीज इन्होंने लॉन्च की, एक 29 वर्ड का लेटर है जो फ्लॉकी नोसिनी हिलीपीलीफिकेशन, ये जो वर्ड है ये 29 लेटर्स का वर्ड है, और ये एग्जाम में आए तो आप बहुत इजीली बता देंगे कि यही वर्ड है जो शशि थरूर ने इंट्रोड्यूस किया है 29 लेटर्स का। और ये पैराडॉक्सिकल जो दो प्राइम मिनिस्टर वाली बुक है, ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि शशि थरूर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी, अगर इन्होंने बुक लिखी है तो ये आने के काफी चांसेस रहते हैं इस टाइप की चीजें पूछने के। नेक्स्ट न्यूज है अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस डे सेलिब्रेट किया गया है 12 अक्टूबर को। अर्थराइटिस क्या होता है, ये एक काइंड ऑफ डिसीज या डिसऑर्डर बोल सकते हैं, जिसमें पानी जो होता है, पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको लिम्फ कहते हैं, लिम्फ टिश्यू के थ्रू पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, तो जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें पानी भर जाता है और फिर वो पेन करता है, तो इसको कहते हैं अर्थराइटिस। एक और इसी टाइप का एक डिसीज होता है गाउट। गाउट में क्या होता है कि जो यूरिक एसिड है वो जमा होने लगता है बॉडी में, तो ये दोनों जो है ये जॉइंट पेन से रिलेटेड चीजें, अर्थराइटिस और गाउट। तो इससे इस डे को सेलिब्रेट किया है 12 अक्टूबर को। फिर उसके बाद है एयर एशिया स्टार्ट करने वाले हैं एक जॉइंट वेंचर, एयर एशिया बरहत, जो मलेशिया के जो एयरलाइंस है उसका नाम है ये, और टाटा सन्स के साथ मिलकर एयर एशिया एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करने वाले हैं। देन एक और साइक्लोन आया है, अभी साइक्लोन्स का सीजन चल रहा है, साइक्लोन तितली आया है जो बे ऑफ बंगाल में आया, मेनली उड़ीसा में उसने तबाही मचाई है। देन अभी दो हम लोग हरिकेन्स देख चुके हैं जो अटलांटिक ओशन में आए हैं, एक फ्लोरिडा में और दूसरा पोर्तगाल स्पेन में। तो ये फिर चौथा जो देख रहे हैं हम लोग साइक्लोन, ये है लुबान। तो ये कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ, ये हुआ है अरेबियन सी में। कभी कभी आप नाम से भी समझ सकते हैं, अगर कभी ऑप्शन दिया हो और आपने नहीं पढ़ी हो उस चीज को, पर्टिकुलर पढ़ा नहीं हो, तो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो वर्ड है ये काइंड ऑफ अरेबियन वर्ड लग रहा है, या ये रिलेट कर सकते हैं हम अरेबियन सी से, क्योंकि ये अरेबिक कंट्रीज के पास ओरिजिनेट हुआ है। तो कुछ चीजें आप लोग अपना दिमाग लगा के भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है चीजें तो आप एक अंदाजा भी इस तरीके से लगाएं कि उसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहे। ऑब्वियसली एग्जाम की सारी चीजें आपको पता नहीं हो सकती है, और ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ आप पढ़ के जाओ और कितना भी पढ़ लो, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सिर्फ आपको अपना ब्रेन यूज करना है, तो ऐसी जगह पे आप चीजों को कोरिलेट करना सीखिए, क्योंकि यही काम आता है, यही चीज रहती है कि बाकी सब भी कोई पढ़ के जा रहे हैं जो आप पढ़ के जा रहे हैं, आप आगे कहाँ पर रहेंगे, जहां पर आप अपना दिमाग थोड़ा सा अच्छे तरीके से यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर न्यूज खत्म होती है आज की। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर आपको पसंद आता है वीडियो, और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।